हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ढेकियाजुली का दुर्गा पूजा महोत्सव। तो चलिए हम चलते हैं ब्लॉग की दुनिया में। तो सबसे पहले मैं एक पूजा स्थली पर आ गया और इसका ब्यूटीफुल सीनरी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी। ये देखिए लाइटिंग का कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिखा है ना आप लोगों ने। तो ये देखिए पूरा लाइटिंग का, और इस साइड पर देखिए, इस साइड पर स्ट्रेट यसाम का जापी है। और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। हाँ अभी अंदर जा रहा हूँ लेकिन इतना दूर नहीं जाऊंगा, दूर से ही आप लोगों का कंप्लीट क्लिप दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दुर्गा, जय माता दी। और ये बच्चे लोग का खेल, इन लोगों को देखकर तो मुझे बचपन याद आ गया। ये क्या हुआ, ये तो बरसात आ गया, शायद मुझे लौटना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे लौटना पड़ा घर में। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को, जब मैं गया था तब बारिश आ गया था। बारिश आने से क्या हुआ, मैं जैसे कि मैं मोबाइल लेके वीडियो बनाता हूँ, अगर बारिश में अगर मोबाइल लेके मैंने वीडियो बनाने लगा तो मेरा मोबाइल ख़राब होने का पूरा चांस है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ पूजा का वीडियो ही आप लोगों को दिखाने वाला था, तो पूजा का वीडियो आज बना नहीं पाया मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, कल यानी कि येस्टरडे का मैं दिन का फुटेज मैंने रख दिया था सेव करके। वो जो वीडियो है वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। और आज नहीं हो तो क्या हुआ, कल यानी कि टुमारो मैं फिर से जाऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो बना कर ही आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं यस्टरडे यानी कि कल का वीडियो। और ये आप लोग वीडियो में देख रहे हैं हरि मंदिर। इस हरि मंदिर में ही ढेकियाजुली का सबसे पुराना दुर्गा महोत्सव होता है और 82 ईयर्स पुराना है ये दुर्गा महोत्सव। ये देखिए कितना खूबसूरत डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पर, हो रहा हम नहीं मतलब हो गया है, ऑलरेडी डन। चलिए थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। वाह वाह, कैसा कितना खूबसूरत ये परिवेश लग रहा है, ये नज़ारा लग रहा है, जैसे कि प्रकृति और मंदिर ये दोनों एक साथ का कॉम्बिनेशन जो है ना, इससे कुछ कुछ अलग ही निकल कर आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये मंदिर। लेकिन वीडियो के बीच में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कल जाके फिर से फुटेज लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने जब मोबाइल चेक किया तब मुझको पता चला कि मुझे कल जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फुटेज कलेक्ट करके रखा था यस्टरडे यानी कल का। जो कल मैं जब गया था तो रात में भी मैं गया था और कुछ रात का फुटेज मैंने कलेक्ट किया था, तो उसी को आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ और उसको दिखा करके मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। ये रहा रात का नजारा, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये है सेल्फी पॉइंट।